बंडल बना के रख दिए हैं और मुझे इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। इसका हाल देख लो, पूरा कीचड़ में हो गया, गंदे ऊपर से लेके नीचे तक पूरे घर की सफाई करी है। तो भी नींबू पानी बनाते हैं। आ गए मक्कू के नानी नाना। चाय वाय ले गया यार, दो बड़ी बांध रखी मैंने कि भाई सगाई या ब्याह पता नहीं की चीज होती है। मैं दोबारा मत दादी तन शरण ना आई, मैं सूर रोपण जैसी कोठड़ी आऊं ब्याह। और इतना खूबसूरत छोरा। आज मम्मी आ गई तो खाना बन रहा है, नहीं तो मैं बाहर से ऑर्डर करता। इतना तो मेड भी छुट्टी लेती होगी। तो एक घंटा भी दे, मम्मी दे, मेरी मम्मी को दे, पापा भी नहीं बता पाए, तू ऐसे मत कर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है 11 तारीख संडे और अभी बज रहे हैं करीब 8:30। मैं 7:30 बजे करीब उठ गई थी। उठ के मैंने 2-3 काम अपने ऑलरेडी निपटा लिए हैं। एक तो मशीन लगा दी थी, ऊपर से मैंने ना सॉक्स वगैरह ना जितनी भी थी वो सारी धोई थी, तो सबके ना पैर से इधर उधर हो रखे थे, चेतन वाले भी मेरे वाले भी। एक चेतन के पास बैग है जिसमें वो सॉक्स रखता है और सारी सॉक्स उसके अंदर थी और कुछ पता नहीं चल रहा था। आधों के पेयर्स गायब हैं, अभी भी गायब हैं, कुछ के तो मिल गए हैं। ये मेरी वाली मैंने निकाल के बंडल बना के रख दिए हैं और कुछ ये सॉक्स ऐसी हैं जिसके पेयर्स अभी भी नहीं मिले, पता नहीं कहाँ हैं। तो ढूंढती हूँ, अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी। अपनी मैंने यहाँ रख ली है, चेतन की मैंने अंदर रख दी है, अभी ये भी रख देती हूँ। प्लस आज बहुत सारे काम ऐसे हैं, मतलब छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं, और अपना भी मतलब मेरा खुद के भी मुझे कुछ काम है। तो मैं फटाफट से शुरू कर देती हूँ आज की दिन की जर्नी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट कर सकूँ। हेल्थ वाइज काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ मैं, हाथ भी थोड़ा बेटर होता जा रहा है, पेन कम्प्लीटली नहीं गया और मुझे ये डर लग रहा है कि शायद फिजियोथेरेपी के बावजूद ये दर्द नहीं जाएगा और मुझे इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। बट दुआ करना बस फिजियोथेरेपी से दर्द चला जाए ताकि मुझे इंजेक्शन ना लगवाना पड़े। ओके, तो एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है लेकिन एक चाय की ज़रूरत है, तो मैं फटाफट पहले चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ और उसके बाद काम शुरू करती हूँ। हाँ, आपको बता दूँ, ब्रूनो मैक्स गए हैं पार्क चेतन के साथ, आजकल डेली सुबह का इनका सेट हो चुका है। ये दोनों मतलब तीनों चले जाते हैं सुबह सुबह पार्क और मेरे लिए भी बहुत बढ़िया होता है क्योंकि घर में कोई नहीं होता तो मेरा काम एक घंटे के अंदर सारा सफाई का सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये नहीं होता कि ब्रूनो इधर से उठ, मैक्स उधर से उठ, ये वो फलाना ढमकाना, आराम से सारा काम हो जाता है। तो मैं चाय लेके बैठी ही थी लेकिन एकदम से चेतन ने आके आवाज़ लगाई और मैं आपको दिखा देती हूँ क्यों। इसका हाल देख लो, पूरा कीचड़ में हो गया है, गंदे पता नहीं कहाँ कीचड़ में बैठता है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 1 और मैं अभी काम ख़त्म किया मैंने अपना, इतना काम किया ना आज तो कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घर की सफाई करी है, एक एक कमरा, एक एक बाथरूम, पूरी सीढ़ियाँ, बाहर के दोनों बरामदे, यहाँ के भी नीचे के भी मैंने सब साफ कर दिया आज। आज मतलब पता नहीं क्या माता चढ़ गई थी घर में। अभी मेरी थोड़ी हालत टाइट है लेकिन एनर्जी डाउन नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत वो जवाब दे रही, थक रही हूँ। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए नींबू पानी। तो अभी नींबू पानी बनाते हैं और चीनी वाला बनाऊंगी, चीनी नमक वाला, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी और उसके बाद पी के फिर काम पे लगते हैं। तो गाइस अभी मैं नीचे जब सफाई कर रही थी ना तो एक डॉगी आया था एंड वो बेचारा ना बड़े ऐसे देख रहा था। मैंने जब उसको थोड़ा सा ऐसे प्यार किया ना तो बड़े मतलब प्यार से ऐसे देख रहा था, तो मैंने पहले तो उसको पानी दिया और जैसे ही मैंने पानी दिया वो चला गया पानी पी के, फिर थोड़ी देर में वो फिर आ गया और फिर वो मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे भूख लग रही हो या कुछ ऐसा। तो मैं अभी खाना तो रख के आ गई हूँ, अभी चला गया है वो, है नहीं यहाँ पे, पर मैं खाना और पानी दोनों चीज़ रख के आ गई हूँ। अगर आएगा पीछे से तो उसको खाना पानी दोनों मिल जाएंगे, बस कोई हटाए ना यहाँ से। आज ना मैंने सुबह चिड़ियों के लिए भी पानी रखा था लेकिन मुझे लग रहा है इतनी धूप है ना वो पानी गर्म हो गया होगा। अब देखो इतनी धूप में पानी है, गर्म ही हो गया होगा। तो सोच रही हूँ इस पानी को चेंज कर देती हूँ। अरे नहीं, ये तो ठंडा है, ओ बाप रे, इतनी धूप में भी ये पानी बिल्कुल ठंडा है, वाह। तो आई थिंक मिट्टी के इसमें सुराही में इसीलिए बोलते थे पानी रखने के लिए ना, धूप में देखो खुला रखा हुआ है ये, बिल्कुल खुला धूप में और पानी बिल्कुल ठंडा है, मतलब ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल हो, ठंडा है ठंडा।
मैं भी लेके आऊंगी अपने लिए। भाई साहब क्या ही बना दिया, मजा आ रहा है बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया। काले नमक का और चीनी का इतना मस्त टेस्ट आ रहा है, और नींबू का। बस नींबू पानी के ब्रेक में ना मैं ये भी ऐड कर रही हूँ ये मेरा फेवरेट है। मतलब मुझे चिप्स वगैरह कुछ भी आजकल खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और ना मैं खा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ नटखट बचपन से मेरा फेवरेट है फन फ्लिप्स, पहले आता था, अभी भी आता है, बट अब मुझे ये नटखट ज़्यादा पसंद आता है। तो बहुत छोटा वाला 5 वाला पैक मैंने लिया, बस मैं एक पैक एज अ स्नैक्स नींबू पानी के साथ खाती हूँ। भैया आ गए मक्कू के नानी नाना चाय पीछे रखी है कब की। हाँ ब्रूनो कौन है? यहीं से भोंक ले, बाहर रेल का चला मत जाइयो आलसी। तो गाइज यहाँ पे आ गए हैं गरम गरम समोसे और जलेबी, चेतन लेके आया, अभी फटाफट खाते हैं। समोसे खाएगा उसके हिस्से का गिर गया पहले मजा आ रहा है ब्रूनो मैक्स, इतने समोचे समोचे खा रहे समोचे कैच कर रहे हैं हमने ब्रूनो को। हां स्पेशली खाने की चीज रास्ते में ही बैठ के कर रही हूं, पहले मैं कैच करूंगा। अब इंडस्ट्रम मत कर के इन्ना खाना ना मिलता पापा, इन्ना ना मिलता तो किसी ने ना मिलता। फिर सुबह पता के खाया मर गया, वो स्टोरी ये थी तू दो घड़ी पहन के पेंट कर रहा था, सफेदी कर रहा था मैं, ये मैं गलती कर रही थी, ये इसका बाप आया ना देख रहे हैं आज ये ली बताई थी, तो उसने आगे बोला अरे भाई मैं लाल का घर यही है, मैं बोला हाँ जी यही है, तो बोलो कहाँ गया तेरा पिताजी है, बोला कहाँ गए, बोले सेक्टर वो आ गए यार के फ्रॉम ड्यूटी में, बोले वो तो मगर जी बैठे बैठे मैं चाय वाय ले गया यार, दो बड़ी बांध रखी मैंने कि भाई सगाई या ब्याह पता नहीं की चीज़ और की कहानी और सफेदी कर दो घड़ी बांध रखी किसकी घड़ी थी, अपनी एक बाबू की एक अपनी दो बांध रखी थी अब बाद में पता लगा गया वो रोली ले जाएगा सगाई करके, फिर आड़े तो जब ब्याह हो लिया ना जो बाद में मैं दरअसल उसने देखा कि भाई जो अपने घर की सफेदी कर रहे हैं साफ सुथरा काम लग रहा है और इतना खूबसूरत छोरा मेरे बाप ने तो मैं ही पसंद आया, बिल्लू तो देखा भी नहीं था उसने। हाँ बाजी भी तो फिर रोक गया होगा, देखो चीनू खाना बना रही है और आज मम्मी आ गई तो खाना बन रहा है, नहीं तो मैं बाहर से ऑर्डर करता है। मैं तो शुक्र मना रहा हूँ मम्मी का और पापा का कि आज घर आ गए तो मेरे को ये खाने को भी मिल रहा है ना, तो भाई साहब मम्मी के चक्कर में इसने खाना बनाया ना, तो आज स्विगी से खाना आ रहा था देखे जामुन भी खा रहा हूँ। नहीं एक बात बताओ, पहला इंसान होगा जो बिना खाना खाए फूलता जाए, पहला
इंसान जो बिना खाना खाए फूल जाए। वो खाने से थोड़ी होता है, मोहब्बत से फूल रहे हैं। हाँ चेनू, आज तो खाना बना लिया, आज तो खाना बना लिया चेनू ने। देखा देखा मैंने क्या कही थी, मैंने क्या कही थी, क्या कही थी, एक दिन तो देखो मैंने क्या कही थी। पापा आज आप आए हो तो पनीर भी बन रहा ना, तो बाहर से ऑर्डर होता आज तो। पापा एक बात बताओ, पूरा हफ्ता जब मैं सुबह दोपहर शाम तीन टाइम का खाना बनाऊं, हफ्ते में एक बार तो संडे की तो छुट्टी ले सकूं? Yes. इतना तो मेड भी छुट्टी लेती होगी, बड़ी बड़ी काट दे रहे हैं। तो मेड की सैलरी कटेगी, तेरी भी कटेगी? सैलरी दे तो सही। ओ भाई मेड की सैलरी कटेगी, सैलरी दे तो सही। चीनो तेरे पापा के जब समझ में आई थे मारवा काम वाली लगी ना, तभी बोले पहले पूरी जिंदगी के करा के करा आज वो खाना बना ली जान के ने तो सच में जामुन अच्छा लगा? जामुन खा रहा है? तरबूज खा लिया? देख तरबूज में कहना रे खा लेंगे। हाँ पापा पता चक्कर के इनके साथ अब दिक्कत क्यों हो रही है, हाथ तो हम देंगे तो खा लेंगे, कोई और देगा तो इतना ना खा। मीठा खा ले, हाँ मीठा और उल्टी सीधी चीज खा लेंगे। रिपीट करियो, अभी अभी तूने क्या बोला? अच्छी चीज पसंद है। तो मतलब मैंने तेरे से शादी करी है पसंद करके, तो तू अच्छा नहीं है, है? मैं तो तू मानना है तू अच्छा नहीं है, तेरी गलती है, मेरी गलती है, सही है मेरा हिस्सा। एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा है दिल्ली से मुंबई, जाते टाइम उसे लग रहे 80 मिनट और आते टाइम उसे लग रहा 1 घंटा 20 मिनट, कैसे? मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कहीं पे भी मुंबई की बजाय एक्स वाई जी, जाते टाइम 80 मिनट लग रहे और आते टाइम 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मेरी मम्मी, पापा भी नहीं बता पाए, तू ऐसे मत कर। 80 मिनट 1 घंटा 20 मिनट नहीं होगी। 60 मिनट का 1 घंटा हो गया ना, मैं भी तो यही गलती कर रही थी। कैसा हो गया? तू दर से जा सकते हैं, बाइक की स्पीड में आई है, शॉर्टकट से जा सकते हैं, मम्मी ने देगा एकदम सब पकड़ लिया। तो मम्मी ने पकड़ा ना, पापा ने तो नहीं पकड़ा, मतलब हो सकते। हाँ हूँ मैं, अपने पापा हूँ और बोल। ये यही चीज तो दिमाग चलाने की है। तू के नंदू के खानदान में दिमाग नहीं है, मम्मी खानदान की नहीं है ना, इस बार अलग है। मम्मी ने तुरंत पकड़ लिया तो 5 सेकंड के अंदर मुझे वो पता चले, बोल ले ना, बोल ले, सोच रहा है ना मेरे में जाना आते रहे तो खाना जल्दी ना खाना चाहिए। अब बस एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं तेरे से, कितनी बार जिंदगी में डायलॉग मार चुका है? कितनी बार? मैं तो ये देख लो पापा, जब जब तुम आए हो पेट भर कर खाया, जब जब कोई मेहमान आ जाता है सर। पापा तेरा भी यही हाल है कि तना मिल जाए जो कि नहीं पेट भर है, जो कोई आ जा रहा आज पेट भर का खाना मिल गया है, मेरा तो चावल सही बने, चावल नहीं आज सही बने, सही बने। चलो शुक्र आज कमी ना काटी, कोई कमी नहीं निकाली यार तो ना। मैं तो कह रहा हूँ आदमी को पेट भरे मिल जाए, हैं? ये दो रोटी चाहिए पेट में और आदमी को पेट भर के पेट में रोटी मिल जाए, कमी निकाला है। अच्छा कुछ लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तू आजकल गोवा वाली शर्टों में क्यों घूम रहा है? ये अरे ये बड़ी हल्की सी है, मुलायम सी, पता भी नहीं चलती। ये मैंने सोन की देखी थी। अच्छा सोन बिल्कुल फ्री घूम रहा था, मैंने कहा यार ये बड़ी मुलायम सी, दो बार उन्होंने ना पैर खेल ला के ले आप अपनी दो टी-शर्ट आने में ढीली ढीली है नरम है, उन्होंने पैर पे सुन ले जा अच्छी लग रहा है ना, नरम नरम सी। वही तैयार है खाना, फटाफट खाते हैं। तो वही मम्मी पापा जा रहे हैं घर, चेतन जा रहा है छोड़ने। हाँ भाई
बाय पापा, नमस्ते, बाय। ले चल थोड़ा तो रख ले, कोई ना मेरे पास है, चेतन भी खा ले। अरे मेरे पास है खील भी, क्या करूँ मैं, ले आऊंगी ना, तू खा लियो वहाँ। अरे इतने कौन खा मारा है, तुम ही कहोगे दोनों, इतने थोड़ा ना खा लेंगे। मम्मी लाई थी ये चने और खील, इसमें जरा सी लाई है, उसमें भी ये है कि रख ले। चुप चुप चुप, मैक्स आ गया नीचे, नीचे तुमको पता भी नहीं चला, अभी लेके आई हूँ इसको वापस मंडी से पकड़ के।